नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। पंजाब की टीम को लगा एक और बड़ा झटका, अब इसने भी छोड़ दिया प्रीति जिंटा का साथ। पंजाब की टीम को झटके पर झटके मिलते जा रहे हैं। पहले जहां केएल राहुल ने टीम के साथ खेलने से मना कर दिया था, अब बड़ी फ्लावर ने पंजाब किंग्स के सहायक कोच पद को छोड़ दिया है। ये उम्मीदें हैं कि 2022 से आपको वो किसी टीम के साथ जुड़े हुए दिखाई देंगे। आपको बताते चलें कि एंडी फ्लावर इंग्लैंड की टीम के कई सालों तक कोच रहे थे। आईपीएल की बात करें तो साल 2020 में ही पंजाब के साथ जुड़े थे। ये उनके करियर की पहली आईपीएल टीम थी। उनके इस टीम को छोड़ने की खबर बीसीसीआई की तरफ से दी गई है। अब अगर भविष्य की बात करें तो आप जानते ही हैं कि इस साल दो नई टीम आईपीएल में आ चुकी हैं, तो हो सकता है कि एंडी फ्लावर इन दो नई टीम में किसी एक के साथ आपको दिखाई दें। एंडी फ्लावर के इस दो साल में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। 2020 में जहां टीम छठवें नंबर पर थी, 2021 में भी टीम छठवें नंबर पर रही। पंजाब के मैनेजमेंट की तरफ से भी साफ बयान में आया है कि एंडी फ्लावर अगर किसी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। ये इनका एक निजी फैसला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2022 में एंडी फ्लावर किस टीम को चुनते हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि एंडी फ्लावर का पंजाब की टीम को इस तरह छोड़ देना पंजाब के लिए किसी दोहरी मार से कम नहीं है, क्योंकि पहले केएल राहुल और अब फिर एंडी फ्लावर ने पूरी तरह से पंजाब की टीम को अलविदा कह दिया है, जिसका सीधे सीधे खामियाजा प्रीति जिंटा के साथ साथ पूरी पंजाब किंग्स को झेलना पड़ सकता है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।